ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों, मैं आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थ्योरी ऑफ कंपटीशन वीडियो नंबर 2। अब इसमें बात करूंगा ऑटोमेटा थ्योरी की, बात करूंगा ऑटोमेटा के सिंबल्स क्या है, कैसे होता है, इसमें फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ऑटोमेटन जिसे हम सिंगल सिंगुलर शब्द में कहेंगे ऑटोमेटन और प्लूरल में कहेंगे ऑटोमेटा, तो इसकी हम बात करेंगे। तो बिना कोई देर करें पहले इंट्रो देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फॉर योरसेल्फ, अब पढ़ाई से डर नहीं, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। ओके देन, इंट्रो हो चुका है, आप लोग रुके हुए, बहुत बढ़िया, फटाफट मैंने इंट्रो भी लोड कर दिया था, सब हम बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटा की कहानी मैंने यहाँ पर मेंशन की भी है। तो बिना कोई देर करे सीधा मैं अपना पेन निकाल लेता हूँ, और पेन निकाल के मैं सीधा आपको मैं बस हाईलाइट करके मैं बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बात हमारे यहाँ पर आती है ऑटोमेटा की। ऑटोमेटा क्या है? एक सिस्टम है या एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी इस बात का डिस्कशन किया था, इस बात को मैंने मेंशन किया था कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन का तात्पर्य क्या होता है। ये ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन या डेटा को बाय परफॉर्मिंग सम इंटरनल फंक्शंस। अब इंटरनल फंक्शंस कौन कौन से हैं वो मैंने स्टार लगा के ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। डिफरेंट स्टेट्स एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेज, अलग अलग समय पे कितनी स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स हैं आपके, डिफरेंट स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स हो रही है हमारी अलग अलग टाइम इंस्टेंसेस के ऊपर, और आउटपुट प्रोड्यूस करता है विदाउट यूजर पार्टिसिपेशन, बिना यूजर के, बिना ह्यूमन पार्टिसिपेशन के अपने आप ही आउटपुट हमें दे देता है। तो क्लियरली ऑटोमेटन जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है। ऑटोमेटन सिंगुलर शब्द है, ऑटोमेटा प्लूरल है, ठीक है? इसका मैं आपको ओरिजिन में बताऊंगा। तो क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू अप टू क्यू एन स्टार, मतलब जहाँ तक है ये सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारी, क्यू नॉट से लेकर क्यू एन तक, और ये इनपुट्स है मेरे पास और ये मेरे पास आउटपुट्स है, ठीक है? सीधी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। भाई सबसे पहले इसमें आप हमारे पास आता है इनपुट आता है, फिर आउटपुट आता है, फिर इसमें आता है स्टेट और स्टेट रिलेशन और आउटपुट रिलेशन, ये पांच चीजें हमारे पास आती हैं। तो इनपुट्स क्या हो गए हमारे? इनपुट्स हो गए जो हमारे डोमेन, किस डोमेन से हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, किस डोमेन से हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, और आउटपुट आ रहा है रेंज, कितनी रेंज ऑफ आउटपुट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है? तो डोमेन और रेंज, ये सेम वही कहानी है जो आपने रिलेशन और फंक्शन में आपके डीएसटीएल में आपने पढ़ा होगा। मैंने आपसे कहा था डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है थ्योरी ऑफ लॉजिक, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट होता है, चाहे आपने स्कूल में पढ़ा हो, चाहे आपने बीटेक में पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, चाहे आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, किसी भी सेमेस्टर में पढ़ा हो, आपने कहीं भी पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन पढ़ लेना जब भी आएगा, उसका रिलेशन सीधा इससे है। तो उसमें जो डोमेन और रेंज की बात आ रही है, फंक्शन आता है आपका डोमेन और रेंज का, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज द आउटपुट और एक्स क्या है आपका, आपका डोमेन है, एक्स के वैल्यूज के ऊपर वाई डिपेंड कर रहा है, वाई आउटपुट आ गया आपका, ठीक है? अब स्टेट्स की बात आ रही है, स्टेट्स के लिए हमारा क्यू होता है हमारा, ठीक है? क्यू इज द सेट, सेट थ्योरी भी आ रही है इसके अंदर हमारे पास। रिलेशन बिटवीन टू स्टेट्स विद इनपुट सिंबल्स, जैसे हम कहते हैं स्टेट रिलेशंस, ठीक है? और आउटपुट हमारा जो एसोसिएटेड होता है वो दो तरीकों से हो सकता है, या तो सिर्फ एक स्टेट से हो या स्टेट विद इनपुट, दो तरीकों से आउटपुट हमारा जुड़ा रहेगा, जुड़ाव रहेगा इनपुट के हिसाब से, कैसे रहेगा? या तो सिर्फ स्टेट्स के ऊपर हो, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, पर स्टेट चेंज हो रही है बेस्ड ऑन इनपुट, वो आपका मीली मशीन होता है अगर इनपुट के साथ है, नहीं तो मूरे मशीन कहा जाता है। मूरे मिले, ये दो दो बंदे थे जिन्होंने अलग अलग मशीन बनाई, और इनके नाम भी बड़े शानदार शानदार हैं, मिले मूरे, मूरे मिले, ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा की जब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश ऑन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जो मेन जो स्टार्ट होता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट होता है, मैं आपको कई एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, डोंट वरी। जिनमें आउटपुट अगर नहीं आ रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, या और विदाउट आउटपुट का मतलब यहाँ पे हो गया कि भाई वैल्यू निकल के नहीं आ रही है, आउटपुट आ रहा है बट इसमें वैल्यू नहीं आ रही है, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है। बट इसमें जो हमारे ये चीज़ होती है, मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया विदाउट आउटपुट का, ये सिर्फ जवाब मेरा यस या नो में देंगे, हाँ या ना में देंगे, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकल के आएगी, सिर्फ यस और नो की बात आएगी यहाँ पर। आउटपुट के साथ आया तो मोरे मशीन और मिली मशीन, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया अभी, ये सब की चर्चा हम करेंगे, डोंट वरी। फिर हम आते हैं सबसे पहले हमारे मुद्दे पे, जो है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा या ऑटोमेटन, अगर मैं कहूँ सिंगुलर शब्द में मशीन, अगर मशीन बोलूंगा तो ऑटोमेटा हो जाएगा, सिंगल मशीन कहूंगा, सिंगल बात कहूंगा तो ऑटोमेटन कहा जाएगा। आप ये सामने एक चीज देख रहे हो, एक छोटा सा ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ये जिप मैंने लगा रखी है,
कोई भी सिस्टम अगर अपने आप चल रहा है, सेल्फ विलिंग, खुद से चल रहा है, सेल्फ मूविंग है, ठीक है, और वो अपने आप चल रहा है, उसको आपने चाबी भर दी, वो अपने आप चलता रहेगा, अपने आप करता रहेगा, जब तक उसको चाबी भरी जा रही है, जब तक उसके अंदर पावर दी सॉरी जब तक उसके अंदर पावर दी जा रही है, चाबी भरी जा रही है, तब तक वो चलता रहेगा। उसे हम कहते हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ऑटोमेटा या ऑटोमेटन हमारा ग्रीक शब्द आता है, ऑटोमेटन के नाम से अजीब सा उनके लिपि है तो मैं लिपि नहीं समझ पाया, पर मैंने आपको निष्कर्ष में बता दिया, सेल्फ एक्टिंग, सेल्फ मूविंग और सेल्फ विलिंग। तो ऐसा कॉम्पिटिशन मॉडल है, सेट ऑफ फाइनाइट और कॉन्स्टेंट स्टेट क्यू, ये आपको फाइनाइट स्टेट मशीन है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ऑटोमेटा के परिभाषा बता दी, फाइनाइट स्टेट का मतलब हो गया क्यू है, उसमें हमारे कुछ निश्चित डेफिनेट स्टेट्स ही अवेलेबल है, एक या दो या तीन या दस या बारह या सौ, डेफिनेट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ एक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच अलाउ अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली, वो अपने आप करता है, उसको आप रूल्स दे दो कि भाई ये इस तरह की स्ट्रिंग आपको एक्सेप्ट करती है, इस तरह का काम आपको करना है, टास्क दे दिया जाएगा और वो अपने हिसाब से चुपचाप करता रहे, जब तक इसको स्विच ऑफ नहीं कर दे तब तक करता रहे। तो ऑटोमेटन हो गया आपका फाइनाइट स्टेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट ऑटोमेटन एफ ए या फाइनाइट स्टेट मशीन। अब कैसे लिखा जाता है इसको, ये भी बात है आप यहाँ समझने के लायक है भाई। ऑटोमेटन को लिखा जाएगा आपका पांच टपल्स के माध्यम से, ठीक है, फाइव टपल्स हैं, कौन कौन से भाई, आपका पांच एंट्रीज हैं, फाइव टपल्स ना कहकर फाइव टपल कह देता हूँ मैं, फाइव टपल एंट्री कर देता हूँ मैं इसको, फाइव टपल कर देता हूँ मैं, फाइव टपल कर देता हूँ इसको, देखिए मैंने यहाँ पर करेक्ट भी कर दिया, तो फाइव टपल्स हमारे, पांच टपल्स आ रही है, पांच एंट्रीज आ रही है एक टपल के अंदर, कौन कौन से आ रही है हमारे पास, एक तो क्यू आ रहा है, क्यू हो गया सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, सिग्मा, सिग्मा मैंने आपको बताया था अल्फाबेट की बात आ रही है, तो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड अल्फाबेट, ये डेल, डेल सिंबल है, ठीक है, जो स्मॉल लेटर है डेल, जो आपको पार्शियल उसमें भी आता है, आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी आता है डेल, वही चीज़ है, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन है हमारा डेल क्या है, क्यू और अल्फाबेट्स का जो समागम है, क्रॉसओवर है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेट बन के निकल रहा है, वो चीज़ हमारे पास आती है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हो कैसे रहा है, क्यू नॉट हो गया हमारा इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट आप कह दीजिए, ये हमेशा बिलोंग करेगा, क्यू जो बड़ा सेट उसको बिलोंग करेगा, मेंबर ऑफ दैट सेट। एफ आ गया मेरे पास सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स ऑफ क्यू, तो एक से ज्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती है, ठीक है, तो हम डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनल स्टेट ऑटोमेटन, अभी एनएफए मैंने कवर नहीं किया, मैं डीएफए तक ही कवर करूंगा, उसके बाद में धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा। तो आपके स्टार्ट स्टेट, इनिशियल स्टेट आती है, फिर आपके पास आता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इनपुट अल्फाबेट आता है, डिटरमाइन ट्रांजिशन, दूसरा आता है ट्रांजिशन फंक्शन दैट यूज एप्लीकेशन रूल्स द कंडीशंस टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट टू गो, ठीक है, ये सब सारे लेकिन सपोज को एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले, फिर हम धीरे धीरे बनाना भी देखेंगे। अल्फाबेट दे रखा अपन को सिग्मा 0.1, ठीक है, लैंग्वेज एल हमें सेट करना है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद एन ऑड नंबर ऑफ वंस, मतलब ऐसा एक लैंग्वेज सेटअप करिए या ऐसा एक मॉडल तैयार करिए जो 0.1 का ही इस्तेमाल करेगा, 0.1 के अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं करेगा अल्फाबेट को, कोई सिंबल को इस्तेमाल नहीं करेगा, और उसका इस्तेमाल करने करते हुए ये करेगा कि नंबर ऑफ वंस मेरे ऑड होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वंस मेरे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के होना चाहिए। अब हमारे कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकते हैं, हमारे कॉम्बिनेशन जैसे हमारे 0101, 0111, 0111 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही अगर 1 मेरा शुरुआत में आ रहा है तो मेरा 1 शुरुआत में आ गया, फिर उसके 2 और 1 आ गए, फिर 3 और 1 आ गए, इस तरीके से अगर 1 से शुरुआत हो रही है तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट एन एफ ए, जो भी एक एफ ए बनाइए तो लैंग्वेज क्या करेगा, ये आपका लैंग्वेज आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, यस या नो आउटपुट हमारा देगा कि एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी, बस ये आंसर आएगा। इसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कैसे काम करता है, तो ये एक छोटा सा एक एग्जांपल है अभी के लिए समझने के लिए, जब हम बनाएंगे तब देखेंगे। अगर अभी से आपको सवाल कराना शुरू कर दूंगा तो आपके तो हाथ पांव फूल जाएंगे सर ये क्या करा रहे हो, तो पहले मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब आता है इसके रिप्रेजेंटेशन की। अब रिप्रेजेंटेशन आपके दो तरीकों से होता है, पहला तरीका आपका आता है ट्रांजिशन ग्राफ या ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम जिसे हम कहते हैं, या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी आप कह सकते हो।
नोटेशन है आपका, अगर सिंगल एक गोला बन रहा है तो वो स्टेट्स के लिए होता है, स्टेट्स आपके गोले में आ जाएंगी। अगर गोले से पहले अगर लेफ्ट साइड में एरो लगा हुआ है, स्टार्ट इनिशियल स्टेट कहेंगे उसको, स्टार्ट स्टेट इनिशियल स्टेट बोलेंगे। अगर डबल कंसेंट्रिक सर्कल्स लगे हुए हमारे तो फाइनल स्टेट हो गया हमारा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले देखो कि भाई ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑड नंबर वंस कैसे बनेगा, कि आपका जैसे ये क्यू नॉट है, पहली स्टेट है। अब जब जीरो आया तो जीरो तो चलो खुद पे रहेगा, फाइनल नहीं गया अभी, ठीक है। जैसे ही वन गया, वन गया, वन सिंगल वन आया तो फाइनल स्टेट आ गई। फिर जीरो आया तो नहीं आएगा, जीरो आएगा इसी पे रहेगा, फाइनल पे रहेगा, क्योंकि जीरो वन जीरो तो आपका जो नंबर बना 010 तो ये भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन जैसे 010 होगा तो वन आएगा, वन जैसे जाएगा तो वापस जाएगा, तो वापस जाएगा मतलब स्टार्ट स्टेट पे आ जाएगा। तो आउटपुट किस पे आ रहा है मेरा? आउटपुट आ रहा है Q1 के ऊपर, Q1 मेरा फाइनल स्टेट है। तो चूंकि वन जब दोबारा आया तो ये वापस चला गया, अब फिर से इसको जीरो फिर वन ऐसे करके करना पड़ेगा, तब जाके जब तक मेरा नंबर ऑफ वंस इवन रहेगा तब तक आउटपुट नहीं आएगा, जैसे ऑड होगा वैसे आउटपुट आएगा। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, ये ऑटोमेटा, इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। क्यू नॉट में आपको बताया इनिशियल स्टेट कहते हैं, और Q1 जो है हमारे यहाँ पर फाइनल स्टेट है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के हिसाब से बनता है। तो ये आपका ट्रांजिशन जो स्टेट्स कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है। अगर क्यू नॉट मैंने जीरो दिया तो क्यू नॉट पे रहा सेल्फ लूप, Q1 मेरा जीरो पे रहा तो Q1 पे चला, Q1 ही रहा, जीरो पे रहेगा तो खुद पे रहेगा। वन पे स्टेट चेंज हो रही है हमारी Q0 से Q1 और Q1 से Q0, तो वन के ऊपर स्टेट चेंज हो रही है, बाकी वो सेम स्टेट पे हमारे पास रहेगा जब वैल्यू मेरी जीरो है या इनपुट मेरा जीरो है। इसी तरीके से दूसरा मेथड होता है आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स या टेबल तैयार करना। तो जो हमने अभी ये लिखा है ना, ये लिखा है ना, ये हमने सारा लिखा है, हमने ये सारा का सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। और मेरा बन के ये तैयार हो जाएगा मेरा, जिसमें मैंने आपको बता भी रखा है कि भाई स्टार्ट स्टेट कौन सी मेरी क्यू नॉट है। वैसे अगर आप नहीं बताना चाहते, आप क्यू को क्यू नॉट और क्यू वन डायरेक्ट लिख सकते हो, आगे गोला बना के करने की जरूरत नहीं है, मैंने बना दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर मैं स्टूडेंट होता मैं तो भर भर के बताता कि भाई ये बार बार बताता अपने एग्जामिनर को, तो एक अच्छी आदत है कि आप जो भी बताओ पूरा भर भर के बताओ, रिपीट करना पड़े रिपीट कर लेना, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इस तरह से आपका जीरो पे सेम स्टेट रही, वन पे स्टेट चेंज हो रही है आपके, क्यू नॉट से क्यू वन वन पे हो रहा है, वन पे चेंज हो रहा है आपका, और बाकी डायरेक्टली आपका क्यू नॉट ही रहेगा। अब आता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसकी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, उसकी मैंने बात भी आपके सामने रखी। तो यहाँ पे मेरे पास आता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, एक मुझे लैंग्वेज तैयार करनी है विद ए, ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग चाहिए, और मेरे पास अल्फाबेट मुझे दे रखा है सिग्मा ए कॉमा बी, वैसे दो सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ए और बी, और एल दे रखा है डबल ए ए डबल ए डबल ए बी ट्रिपल ए, इस तरीके से दे रखा है। तो हमारे कैसे आ रहा था, तो सबसे पहले बात है कि भाई जो भी आपका DFA होता है वो सिंपलेस्ट मॉडल होता है, बहुत ही सिंपल मॉडल बनता है। इसमें जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है बहुत ही लिमिटेड मेमोरी चाहिए होती है, उसको ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत कम मेमोरी होती है क्योंकि स्टोर ज़्यादा नहीं कर सकता। और ये यूज किया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचान कराने के लिए किसकी, सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस ओनली, सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज की जो बात मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, अगला वीडियो जो आएगा वो रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर ही आएगा। तो उसकी बात करने से पहले ही उसकी उसको निकालने के लिए ही, रेगुलर लैंग्वेजेस को निकालने के लिए या उसको पहचान करवाने के लिए, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाने के लिए ही आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, क्यू नॉट है मेरा, ठीक है, क्यू नॉट है, इनपुट है, इसको मैंने ए दिया तो स्टेट चेंज करेगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेड है, स्टेट चेंज करेगा। तो सिंगल ए आ गया तो मेरा आउटपुट कहाँ से आ रहा है, क्यू वन से आउटपुट आ रहा है, तो मेरा सिंगल ए पॉसिबल है। अगर नेक्स्ट ए बी अगर कुछ आए तो वो भी पॉसिबल है, ए ए बी या ए बी या ए ए कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब मेरी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो दो हो गई, अभी तक स्ट्रिंग की लेंथ मेरी यहाँ पर ए यहाँ तक कितनी थी, एक थी, अब दो Q1 पे आते ही दो हो गई मैं सेवा कर देता हूँ, Q1 पे आते ही अब दो हो गई, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं टेल से फिर कर देता, अगर आप यहाँ देखोगे इस तरीके से, अब ऐसे ही मेरा आ गया बी, अब बी का मतलब हो गया जैसे बी आया बी तो क्योंकि मेरा मुझे क्या करना था, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद ए, ये करना था मुझे, लेकिन ये तो हो नहीं रहा, तो मुझे करना है बी के हिसाब से। अगर ए ए वाला एक्सेप्ट होगा बी वाला एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए,
जैसे बी आएगा वो Q2 पे तो जाएगा, लेकिन Q2 मेरी फाइनल स्टेट नहीं है, और वही घूमता रहेगा वो, चाहे ए आए उसके बाद या बी आए, ये वही का वही घूमता रहेगा, ये वही आता रहेगा, ये फाइनल स्टेट नहीं है जबकि ये फाइनल स्टेट है, तो इसी के ऊपर आएगा। तो कहते हैं अगर आपने ए और ए के बाद के जो भी कॉम्बिनेशन लगाने वो आप एक्सेप्टेड है, पर ए के बजाय अगर बी आ गया तो एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो जो स्ट्रिंग होगी, वो जो स्ट्रिंग होगी जो भेजी जाएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो इस टास्क को, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसका यहाँ पर हमारे पास आ गया क्यू, हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, सिग्मा हो गया सेट ऑफ इनपुट्स, क्यू नॉट हो गया मेरा इनिशियल स्टेट, और एफ हो गया मेरा क्या फाइनल सेट ऑफ फाइनल स्टेट, डेल हो गया मेरा ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, और हम देख, मैं बार बार ये चीज लिख रहा हूँ, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बार बार लिख रहा हूँ ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए। अब जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्यू नॉट, ये क्यू नॉट दे रखा है, Q1, Q2 और Q3, राइट। क्यू नॉट से मेरा इस पे गया, वन पे गया, ठीक है, वन पे जा रहा है जी, हाँ जी, ये जीरो पे जा रहा है जी, हाँ जी, ये वन पे जा रहा है जी, हाँ जी, ये वापस जीरो पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाली है वो कौन सी होगी, 1 0 1 0 पे एक्सेप्ट होगा। ठीक है, 1 0 पे एक्सेप्ट होगा क्योंकि फाइनल स्टेट मेरी क्या है, यहाँ पर है, वापस आना तो मेरा मतलब नहीं है। तो अगर मैं यहां से जाऊं 0 1, तो 1 0 या 0 1, 0 1 और 1 0, अगर ये दो है तो मेरा Q3 बोलेगा हाँ जी, बहुत बहुत बल्ले बल्ले बात, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मेरा फाइनल स्टेट क्या ये है। तो अगर इसका मैं अगर आपको यहाँ डायग्राम दिखाऊं, अब आपका काम क्या है, अभी इस वीडियो को पॉज करो, इस डायग्राम को बनाओ जो जैसे मैंने बना रखा है, और ये बताओ कि कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेस करेगा। मैं यहाँ पर लिख के बताया था आप लोगों को, फाइंड आउट, सही से राइटिंग नहीं आ रही ना, फाइंड आउट विच स्ट्रिंग्स विल दिस डीएफए एक्सेप्ट, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, कि आप टाइम स्टैम्प नोट कर लेना, जिस टाइम स्टैम्प पे मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन पूछा, उस टाइम स्टैम्प के हिसाब से देना, जो भी आपका समय आ रहा है। सपोज करे अगर वीडियो को 17 मिनट हो चुके, सपोज कर 17:42 पे मैंने बात की, तो 17 मिनट के 42 सेकेंड पे मैंने आपसे सवाल पूछा, और आप इस टाइम स्टैम्प को नोट करके इस सवाल का जवाब दीजिए कि कौन कौन सी स्ट्रिंग है हमारा ये आउटपुट देगा, ये जो मशीन है कौन किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, किसको नहीं करेगी, आप सिर्फ एक्सेप्ट का बता देना। ये आपके पास ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल भी आपके पास है, ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है, और ये आपके पास डायग्राम भी है, तो डायग्राम भी हो गया और ये भी हो गया, इन दो माध्यम से आप ये बता सकते हैं, क्योंकि डायग्राम बनेगा तो ये बनेगा और ये बनेगा तो डायग्राम, सीधी सी बात है। चलिए, अब यहाँ पे एक अंग्रेजी और मैंने यहाँ लिख रखी है, किसी पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर के लिए जो मशीन होता है मेरा वो एक स्टेट में ही जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि डिटर्मिनिस्टिक के अंदर एक बार में एक स्टेट चेंज ही होगी किसी एक इनपुट के ऊपर, अगर एक इनपुट से मेरी मल्टीपल स्टेट में जा रहा है तो वो हो गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक, एनडीएफए हो जाएगा फिर। वो कहते हैं ना कि अगर दो में ही बातें कर रहा हूँ, अगर मान लो आपने मुझसे पूछा सर आप गलत पढ़ा रहे सही पढ़ा, आप मतलब सही पढ़ा रहे, तो मैं कहा हाँ, फिर दूसरे ने पूछा आप गलत पढ़ा रहे, मैं कहा हाँ, कहते भी क्या मतलब है, दो अलग अलग इनपुट्स हो गए, या तो मेरे आंसर मेरा सेम रहा, या बोलोगे सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं कहा थैंक यू, सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं को ओ सॉरी, तो आपने सेम सवाल पूछा और मैंने जवाब अलग तरीके से दिया तो वो हो गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, इस तरीके से तो अगर आपके सेम इनपुट के ऊपर अलग अलग फाइनल स्टेट्स आ रही हैं, अलग मतलब दो स्टेट चेंज हो रही है एक साथ, दो एक से ज्यादा अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। लेकिन डीएफए की जो मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, जहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ इस बात की हो रही है कि एक बार में एक इनपुट पे एक स्टेट चेंज ही संभव है और संभव नहीं है। ठीक है, तो आपका मैं यहाँ पर मैं वो भी देता हूँ, ये इससे हाईलाइटर से बेहतर, तो ये चीज़ बताना ज़्यादा बेहतर है। तो आपका जो स्टेट फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन है, वो आपका इस तरह से डिफाइन होता है जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। तो अगर मेरा
नल मूव है, अगर नल मूव इज नॉट अलाउड इन डीएफए, मतलब अगर मैं क्यू नॉट में कुछ भी नहीं दूंगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो डीएफए नहीं होगा, ठीक है, वो डीएफए नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, इस बात डीएफए संभव नहीं है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स याद, मैं दिखाता हूँ सामने, मैंने करके ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन ये आपका काम है कि आप इसको कॉपी में दोबारा करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके t.me में आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे देखिए, मैं कीबोर्ड लगा के मैं अभी आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, तो कीबोर्ड अब मैं टाइप करके आपको बताता हूँ, t.me, ठीक है, t.me की तरफ से आता है हमारा @cforyourself। तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे आप इसका मुझे स्क्रीनशॉट, अपना नाम, अपना कॉलेज का नाम और किस ईयर में, ये मुझे बता देना, मुझे पूरी जानकारी चाहिए भाई आप। मैं गुमनाम, क्योंकि मैं शाउट आउट दूंगा ना, किस किसने दिया किस किसने लिया, ये अच्छी बात है ना, मैं लाइव आके आपको बताऊंगा, मैं डोंट वरी, या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये मेरा वो है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर फॉन्ट को मैं कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है, ये मेरा हो गया काम, इसको मिटा देते हैं अभी, हाइड कीबोर्ड। तो आप इसके ऊपर जाके आप ये अभी दोबारा सेलेक्ट करके रखूंगा तो नहीं होगा, चलिए ठीक है, अब मैंने हटा दिया इस चीज को, तो आप इसके ऊपर जाके देखिए t.me, इसके ऊपर आप जाके अपना आंसर अपने दे दीजिए, ठीक है, चलिए। तो DFA एग्जांपल मैं आपको बता रहा था क्या है भैया, L1 है मेरे पास, एक हमें गिवन है, एक लैंग्वेज वन गिवन है, लिखा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद जीरो, हमें वो वाली बनानी है, और हमें पता है कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो अल्फाबेट होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, जीरो और वन का होना चाहिए, बाइनरी वाली बात आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखने वाली जो मैंने यहाँ पर मैंशन भी किया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्यू नॉट ही लिखना हो, अगर आप चाहते हो, अगर क्यू इक्वल टू क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू इस तरह से कर रहे हैं तो ये भी ठीक है, और नहीं तो आपका क्यू मेरा ये भी हो सकता है a, b, c, d इस तरीके से भी हो सकता है, दोनों सही। तो आपका इनिशियल स्टेट में रहोगे ए, मैंने स्टेट्स के जो नाम लिखे हैं वो ए बी सी के करके भी लिख रहे हैं, ऊपर मैंने मेंशन किया था क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, दोनों सही है, आप कोई भी कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट मेरा कह रहा है कि भाई जीरो पे जाएगा तो फाइनल स्टेट पे जाएगा, और जीरो वन अगर नेक्स्ट आया वो जीरो वन पे रहेगा, इसका मतलब मेरी जीरो से स्टार्टिंग हो रही है, तो जीरो जीरो वन जीरो 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 वन ट्रिपल जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन वन इस तरीके से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ऐसे ही मेरा वन पे अगर जाएगा तो वन, क्योंकि मेरा पहली बार आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, वन जाएगा तो सी पे पड़ेगा और सी के ऊपर ही अब तक जीरो वन घूमता रहेगा। जैसे ए और बी का मैंने आपको बताया था, ए से स्टार्ट हो रहा है तो स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो इसके इसी का मतलब ये कि अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि वही मेरा फाइनल स्टेट बनेगा, अगर वन से स्टार्ट होगा तो ये मेरा फाइनल स्टेट नहीं होगा, ये फाइनल स्टेट नहीं होगा मेरा, ये फाइनल स्टेट मेरा रहेगा। इस तरह के स्टेट को हम कहते हैं डेड या ट्रैप स्टेट भी कहते हैं, डेड या ट्रैप स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर मैं इनपुट देता हूँ 001, तो जैसे जीरो दिया तो ए पे एक जीरो दिया तो बी की तरफ बढ़ गया, बहुत बड़े बढ़िया बात है, फिर दोबारा जीरो दिया तो बी के बी पे रहा, जीरो रहा, फिर वन दिया अगेन वन था तो अगेन इसके ऊपर रहा, फिर एंड में हमारे पास आउटपुट आ गया, फाइनल स्टेट पे आउटपुट आ गया मेरे पास, इसका मतलब फाइनल स्टेट मैंने कम्प्लीट हो गई, स्ट्रिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है, मेरा पहले जीरो दिया था फिर वन, जीरो दिया फिर वन दिया, उसके बाद मेरा स्ट्रिंग खत्म, तो तब तक मेरा आउटपुट आ चुका था, फाइनल स्टेट पे ही रहा, फाइनल स्टेट से मैं आउटपुट निकाल सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है, इसमें टिक्का भी मारा था ग्रीन कलर का। अगर मेरा 101 की बात करता हूँ, अगर मैं शुरुआत में मैं 1 देता हूँ तो सी पे रहा, सी पे अगेन 0 आया, फिर इसके 0 पे रहा, फिर 1 आया, फिर सी पे रहा, चूंकि सी मेरा एक डेड स्टेट है, एक ट्रैप स्टेट है, उसमें ट्रैप हो गया, डेड हो गया, फाइनल पे नहीं गया, तो वो आउटपुट रिजेक्टेड है, ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं जी, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए, ठीक है, दैट एक्सेप्ट
sets of all strings over 0,1 of length 2. Construct a DFA that accepts string set of all strings over 0,1. Over मतलब किस अल्फाबेट को फॉलो कर रहा है, 0,1 को फॉलो कर रहा है. Over of length 2, सिर्फ लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 की लेंथ होनी चाहिए. 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, इसके ऊपर लेंथ 3 आ जाएगी. तो जैसे इनिशियल स्टेट मेरी क्या है, ए 0,1 एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, जयराम जी की बहुत बढ़िया कर रहा है. बी बिल्कुल ठीक कर रहा है, 0,1. सी अब दो लेंथ होगी मेरे यहाँ पर, यहाँ एक लेंथ, यहाँ दो लेंथ होगी. जैसे ही मेरा 1 और 2 हुआ, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, फाइनल स्टेट आ गया. अगर जैसे ही मेरे इससे ज़्यादा बना लेंथ 2 या लेंथ 3 बना, लेंथ 2 या मोर देन 2 बना, मोर देन 2, तो ये क्या हो जाएगा, डेड या ट्रैप स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, तो 0,0, 1,0, 0,0, 1, इनमें से मुझे बताइए कौन सी एक्सेप्ट होगी. जहां तक मुझे लगता है ये एक्सेप्ट होगी, ये एक्सेप्ट होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा 3 की लेंथ है. तो इसको आप चेक करके मुझे जरूर बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताया ना. अगर सॉल्व करके फोटो क्लिक करके बताना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम में जाके मुझे भेज देना, ठीक है. ओके जन, आप टेलीग्राम पे जाओगे तो मेरे जो चैनल दिखेगा उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स दे सकते हो, तो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे. ग्रुप के अंदर आपके सवाल जवाब जो भी है हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. मैं भी आपके कहते रहे पढ़ ही रहा हूँ इसको मैं, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग के लेकर आया हूँ कि मुझे कंस्ट्रक्ट करना है DFA जो एक्सेप्ट करेगा कोई भी स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग ओवर a,b जो कि कंटेन नहीं करता, जिसमें नहीं होना चाहिए क्या, AA, BB नहीं होना चाहिए. अब ऐसी जो सवाल जो आते हैं ये थोड़े पेचीदा हो सकते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो इनको समझने का बेस्ट तरीका क्या है, आप इस सवाल को ही उल्टा कर दीजिए. मतलब अपने सवाल को और सिंपल बना दीजिए. कैसे, इसको मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करके मैं सॉल्व कर सकता हूं. तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, क्या किया, मैंने कहा कि DFA बनाऊं, पूछा मुझसे क्या है कि AA, BB नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बनाऊंगा कि हाँ यही होना चाहिए. ठीक है, इसने क्या कहा कि आप कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराओ पर AA, BB नहीं होना चाहिए. लेकिन मैं इस सवाल को मैं कैसे सॉल्व करना चाह रहा हूँ, शुरुआत में पहले जो आधा जो पड़ाव पार करूंगा वो मैं किस लिए पार करूंगा, मैं इसको उल्टा कर दूंगा. आप, मैंने कहा कि आपने पूछा, सवाल से बोलूंगा या एग्जामिनर से बोलूंगा, सर आपने पूछा कि AA, BB नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्ट्रिंग चलेगा, लेकिन मैं बनाऊंगा कि AA, BB ही एक्सेप्ट हो और कोई एक्सेप्ट ना हो, तो उसका उल्टा हो जाएगा. राइट, उल्टे का उल्टा सीधा, तो हमने उल्टा कर दिया इसको. क्या किया भाई, सबसे पहले मेरे ए स्टेट ए है, अब उसको Q0, Q1, Q3, Q4 आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, पूरी आजादी आपको. ए जैसी ए स्टेट आई तो स्टेट चेंज होगा, बी अगर आ रहा है शुरुआत में तो वहीं का वहीं सीमित रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा. ए आया, ठीक है, अगर बी में इनपुट आया, अभी वापस जाएंगे तो पता लगेगा, अगर दोबारा बी में इनपुट ए आया तो आगे बढ़ेगा, अगर बी में बी स्टेट पे अगर बी आ गया, स्मॉल बी आ गया तो वापस चला जाएगा, क्योंकि ए बी हो जाएगा मेरा, या बी बी हो जाएगा तो मेरा आगे नहीं बढ़ने वाला, आगे बढ़ेगा एक ए फिर दूसरा ए दूसरा बी, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, तो जो एक्सेप्टेंस आपकी हो रही है वो इस तरीके से हो रही है. आगे तभी बढ़ेगा, आगे तभी बढ़ेगा जब मेरे ये चारों ये पॉसिबल हो जाए. अब हो सकता है कि मेरा AA आ गया, फिर ए एक और आ गया, फिर बी बी आ गया, मतलब मेरा AA, AB, B ये भी हो सकता है, या AA, AA, BB जैसे भी, आपका स्ट्रिंग कौन सी है, AA, BB आ रही है, तो ए के मेरे कितने रिपीटेशन शुरुआत में हो जाए लेकिन अंत में बी बी आना चाहिए ए के बाद. ठीक है, वो स्ट्रिंग उसमें होनी चाहिए, उस कोई भी स्ट्रिंग में वो होना चाहिए, AA, BB होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, अन्यथा एक्सेप्ट नहीं होगा. उसके बाद मेरा आ गया ई फाइनल स्टेट, तो इसके बाद मेरा जो भी बी के हमारे पास आ रहे हैं वो भी हमारे AB, AB रहेगा. सपोज करे AA, 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 BB, AB, BB कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरा बीच में क्या आ गया, AA, BB ये आ गया मेरे पास, आपको दिख रहा होगा ऊपर. राइट, तो ये चीज़ कोई इस स्ट्रिंग में मेरा AA, BB होना अनिवार्य है और ये मेरा एक्सेप्ट होगा.
लेकिन अगर डी पे मैंने ए इनपुट दे दिया तो मेरा ये चीज बिगड़ गया, क्योंकि ए ए ए ए बी तो आ गया, उसके बाद ए आ गया, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए। सिमिलरली उसके आगे भी अगर हमारा बी हो रहा है, जो हमने पहले मैंने आपको बताया, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब ये डीएफए मेरा बनके तैयार हो गया, इसका आप टेबल बना सकते हो, इसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसका ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो आप इसमें, राइट। अब क्या करना है मुझे, सवाल तो कुछ और उल्टा पूछा था, तो उल्टे का मैंने ये बना दिया, अब इसको मुझे पलटना है। पलटना कैसे है, पलटना है मुझे स्टेट्स को पलटना है, जो जो मेरी स्टेट नॉन फाइनल है उसको बनाना है मुझे फाइनल स्टेट बनाना है, और जो जो मेरी स्टेट फाइनल है उसको करना है मुझे नॉन फाइनल का, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट स्टेट भी मेरी फाइनल स्टेट बन सकती है, मैं बता रहा हूं, स्टार्ट स्टेट कैन ऑल्सो बिकम द फाइनल स्टेट, जहां से शुरू हो वहीं पे भी खत्म हो सकता है, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, है ना, वो वाली बात नहीं, जहां शुरू वहां खत्म, वो भी हो सकता है। तो जो मेरी नॉन फाइनल स्टेट्स है ए बी सी डी, ये मेरी फाइनल बन सकती हैं, और जो कि ई स्टेट, यहाँ पर ई है स्टेट मेरा, ई जो कि फाइनल स्टेट है मेरा, इसको मुझे क्या बनाना है, नॉन फाइनल। अब मैंने इसी को उल्टा कर दिया, देखो कलर कोडिंग भी मैंने इस तरह से कर दी ताकि उल्टा हो गया, रेड वाला पोर्शन मैंने यहाँ रेड कर दिया, बाकी मैंने ब्लू कर दिया, तो मेरा क्या हो गया ए बी सी डी, ये सारी हो गई फाइनल स्टेट्स हो गई सारी की सारी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर और चीज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे भी करता, ये मेरी इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों रहेगी, तो शुरुआत में ही फाइनल हो सकता है मेरा, ठीक है। और ई मेरा क्या हो गया, नॉन फाइनल स्टेट हो गया। क्या है बात, क्लियर है बच्चों, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बल्ले बल्ले। अब आप लोगों के लिए और काम दे रहा हूं, ये डीएफए क्वेश्चन आपके लिए है। अब आपको ये पता लग गया कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्ट्रिंग हमें निकालनी है, जो लैंग्वेज हमें निकालनी है, उसके हिसाब से डायग्राम क्या बनेगा, राइट। अब आपसे जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये मुझे डीएफए का डायग्राम दे रखा है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दे रखा है, अब आप मुझे बताइए ये डीएफए कौन कौन सी स्ट्रिंग को रिकग्नाइज करेगा, मुझे आप ये बताएंगे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी जो एक्सेप्टेड होंगी, कौन सी लैंग्वेज होगी जो एक्सेप्ट होगी। पहले आप स्ट्रिंग्स बताइएगा कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी, जहां तक देख के लग रहा है कि भाई ये वन और जीरो पे ही काम कर रहा है, इसका मतलब जो अल्फाबेट होगा मेरा सिग्मा इक्वल्स 0.1 ही रहेगा मेरा, ठीक है। पर आपको इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, डोंट वरी, इस सवाल का जवाब मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, तब तक के लिए ही आपका काम है, इस सवाल का जवाब आपको मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, अगर आप जितना कोशिश करें बताएंगे, क्योंकि ये इस वीडियो को अपने दोस्तों तक सबको भेजिए, ताकि हर कोई थ्योरी कॉम्पिटिशन पढ़ पाए, मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रहा हूँ, एक स्टूडेंट के भांति ही पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ वो आपको समझाने का प्रयास कर सकूँ। अगर मेरा समझाया आपको समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। इसके जो भी सवाल मैंने आपसे पूछे, टाइम स्टैम्प 17 मिनट के 42 सेकंड पे पूछा है, और अब जो टाइम स्टैम्प आई थिंक मेरे ख्याल से अभी हो रहा है 33 मिनट 59 सेकंड पे, ठीक है। तो आपके मैंने दो सवाल पूछे हैं 33:59 पे और 17:42 पे, ये चीज़ मैं अपने इसमें मेंशन भी कर दूंगा क्या क्या सवाल मैंने पूछे गए हैं। तो इसी के साथ मैं अभी फटाफट अपने सीन चेंज कर लूँ, तो आपको वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ माय डियर बच्चों लर्नर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट और लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तीन चीज़ें कर दो, तीनों को आपके लिए फ्री है, मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा, सिर्फ फ्री में तीन चीज़ें चाह रहा हूँ, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़ लिख जाए, आप आगे बढ़े समझ जाए, इतने जो जो ये सब्जेक्ट हुआ बना हुआ है, क्योंकि मैं भी बीटेक के बाद ही इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, तब से अब तक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था ना इसको देखा था मैंने, अब मैं देखना शुरू कर रहा हूँ, तो अब आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो बल्ले बल्ले, नहीं आ रहा है तो यार तो भी बल्ले बल्ले कर दो यार, ठीक है। मैं और अपनी इंप्रूवमेंट करूँगा, आप मुझे लिख के बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही, मुझे और बताना, और एग्जाम्पल लाने में और एग्जाम्पल ले आऊँगा। हालाँकि बहुत कॉम्पिटिशन है इसके अंदर, गेट स्मैशर्स है, नेसो अकेडमी है, LS अकेडमी है, और एक कई सारे और चैनल्स मैंने देखे, तो पूरे पूरे पीछे पड़े हुए कि भाई मतलब बहुत अच्छा, वो 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, इवन 5 मिनट्स इंजीनियरिंग है, तो धन्यवाद दूंगा उन्होंने, पूरा वन शॉट वीडियो बना रखा थ्योरी कंपटीशन के ऊपर,
तो भाई उनसे तो मैं कम्पीट नहीं कर सकता, मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ यूट्यूबर हैं और शायद हो सकता है उनका अलग कोई बिजनेस भी चल रहा हो, पर मैं प्योरली एक अपने जॉब पे डिपेंडेंट हूँ और जॉब के साथ साथ ये अपना पार्ट टाइम काम ही कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले लोग हैं तो मैं उनसे क्या कर पाऊंगा। तो आपसे बस सपोर्ट चाहिए, आप जैसे प्यारे बच्चों से मुझे सपोर्ट चाहिए जो मुझे समझते हैं, मेरी बात लिखने का करते हैं, और प्लीज सपोर्ट करिए, इस वीडियो को अंत तक देखना, अगर आपने तो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।